झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, देवघर में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूँ अनिल जाधव। देवघर से निकल करके आज सबसे बड़ी खबर आ रही है कि देवघर के दलित समाज के द्वारा उत्तर प्रदेश में घटित घटना, हाथरस बलात्कार एवं हत्याकांड, जिसमें कि मनीषा वाल्मीकि के द्वारा चार दरिंदों ने उसके साथ बदतमीजी जबरदस्ती की, जिसके कारण उसके हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई, उसी के विरोध में देवघर में समाहरणालय के सामने यहाँ के दलित समाज ने धरना प्रदर्शन किया है, जिसमें कि उन चारों दरिंदों को फांसी की मांग करते हुए यहाँ सबने अपने ज्ञापन अपने यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी और झारखंड सरकार से इस तरह से मांग करते हुए सेंट्रल सरकार को इसकी आवाज़ तक पहुँचाने के लिए यहाँ के लोगों ने अपना आवाज़ बुलंद किया। आइए हम बात करते हैं यहाँ से कुछ हमारे साथ संवाददाता हैं। था उसको हम लोग बचा के रखने के लिए एकजुट होकर हम लोग यहाँ पे आज देवघर में हम लोग हैं, तो यहाँ पे दिल्ली तक इसका आवाज पहुँचना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, हम लोगों को संख्या बल में एकजुट होकर और इस तरह से चैलेंज करना होगा कि हम यह एक कोई मामूली घटना नहीं है, यह कोई मामूली घटना नहीं है और इसका जिम्मेवार कोई एक व्यक्ति नहीं है। हर घर में माँ बहन बेटी होती है। जैसे कि आप देख पा रहे थे देवघर समाहरणालय के सामने संख्या तो बहुत कम थी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि इस तरह के मामले में लोग क्यों नहीं आगे आते हैं। क्या ये देश की बेटियों देश के बहन इस तरह के जो इज्जत आबरू लूटी जा रही है, क्या इसमें लोगों को आगे नहीं आना चाहिए? बेशक आना चाहिए, एक कदम और आगे बढ़ के आना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में लोग वहाँ पे जुड़ते तब वहाँ पे पुलिस प्रशासन की और ज़्यादा इसकी ओर ध्यान आकर्षित होता। बहरहाल मैं हूँ अपने चैनल के माध्यम से एक बात और मैं कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप पिछली खबर में दिखाया था नंदन पहाड़ में युवती ने आत्महत्या कर ली थी, उस वीडियो को दबाया गया है, मेरा आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, पता नहीं कौन है वो इस वीडियो को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, मैं आप सबसे जितना भी मेरे व्यूअर्स हैं जितना भी मेरे चाहने वाले हैं आप सबसे मैं गुजारिश करता हूँ दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। और किसी भी प्रकार का अगर आपको अवहेलना जैसा लगता है तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और एक बात बता दूँ कि हाथरस बलात्कार एवं हत्याकांड पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखें, जिसमें कि हजारों हजार लोगों ने सपोर्ट किया है। और उन तमाम दर्शकों को व्यूअर्स का मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आवाज़ सच दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन सच को दबाया जा रहा है। मेरे डियर व्यूअर्स, प्लीज़ सपोर्ट मी।